Hello everyone, good afternoon, welcome to Unacademy Neet, welcome to this most amazing class because today we are going to complete our class 11th. Aaj hum sabse tough chapter ka ending kar denge. एंड बच्चों कल से हमने क्लास 12 स्टार्ट करनी है, तो आज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज जिस चैप्टर से आप सबसे ज़्यादा भागते थे वही चैप्टर सबसे आसान निकला, वही चैप्टर आपका कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड निकला और वही चैप्टर को आज हम खत्म करने वाले हैं. सो टुडे इज़ द लास्ट सेशन ऑफ एनिमल किंगडम एंड टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स आपने कर लिया है बॉटनी में, तो यहाँ पर बेटा हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली ह्यूमन रिप्रोडक्शन फ्रॉम टुमारो. बट टुडे आज हम करने वाले हैं कॉर्डेटा. येस्टरडे वी हैड फिनिश्ड ऑल द नॉन कॉर्डेट्स में स्टार्टिंग विद पॉरीफेरा एंड एंडिंग टिल हेमी कॉर्डेटा. यहां तक हमने सारे नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम कर लिए हैं. आज बेटा हम बात करने वाले हैं लास्ट फाइलम की. लास्ट फाइलम इज कॉर्डेटा. तो अब मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ. आज क्या है, टुडे इज 31st ऑफ मार्च. मार्च के साथ जो बच्चे बोलते थे ना मैम हमारी 11th बर्बाद हो गई है, उन लोगों ने अगर ये मंथन सीरीज डे वन से 8th ऑफ फेब्रुअरी से फॉलो किया है, तो बच्चे अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आपकी 11th आबाद हुई या नहीं हुई. बिल्कुल होनी चाहिए. अगर आप एवरी डे क्लास लगाते हैं, एवरी डे स्पेशल क्लास में आते हैं, अपने डाउट्स पूछते हैं, वहां पे हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो बच्चे डेफिनेटली आपकी 11th में कहीं ना कहीं आपको बूस्ट कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा. वही कॉन्फिडेंस बच्चों अब आएगा आपको क्लास 12th में, जो कि हम स्टार्ट करेंगे कल से. चलिए स्टार्ट कर लें अपना सेशन. सो माय नेम इज बच्चों सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट ऑन अन अकेडमी नीट. एवरीडे बेटा हमारी क्लास का टाइम, यूट्यूब क्लास का टाइम फिक्स है, दैट इज 3:30. स्पेशल क्लास अपनी आज होने वाली है विच इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क मी एनीथिंग सेशन. आज शुरू होगी हमारी स्पेशल क्लास 6:15 पे शाम को 6:15. दैट मीन्स आफ्टर दिस क्लास यू आर गोइंग टू मीट मी एन अनदर फ्री क्लास ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. ऐप पे अटेंड कर सकते हो, अनअकैडमी के वेब वर्जन पे अटेंड कर सकते हो, कहीं भी जाकर आप वो स्पेशल क्लास लगा सकते हैं. लिंक इज पिन्ड इन द चैट बॉक्स. इट्स अ फ्री डाउट क्लियरिंग सेशन फॉर एवरीवन. कुछ भी आपके जनरल डाउट्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स हो सकते हैं, वो सारे डाउट्स आप मेरे से पूछ सकते हैं उस सेशन में. तो सिंस यहाँ पर आपको एक ऐसा कोर्स मिल रहा है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी कवर हो रही है, साथ ही में स्पेशल क्लासेस में हम सब लोग आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, साथ ही बच्चों एवरी डे वी आर गिविंग यू डीपीपीज ऑन अवर टेलीग्राम चैनल. तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है कि नहीं बनता? यस बच्चों, तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो. और डीपीपी के लिए जो आप पूछते रहते हैं कि कहाँ मिलेगी, वो बेटा आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर. इट्स एन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, नया बनाया है हमने, तो पुराने भी नहीं मिलेगा. ठीक है, नए वाले चैनल को ज्वाइन करो, पुरानों में से एग्जिट मारो. दैट इज t.me/unacademyneet_official. ठीक है बच्चों, और डाउट क्लियरिंग सेशन में जरूर आएंगे, दैट इज एट 6:15 टुडे. मैंने पिन कर दिया, उसमें एनरोल कर लो. एनरोल कर लोगे तो तुम्हें नोटिफिकेशन आएगी उसकी. ठीक है, फ्री डाउट क्लियरिंग सेशन है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट. सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से, सारे नीट 2021 के बच्चों से मैं बात कर रही हूँ. बिल्कुल नीट 2021 के बच्चों, तुम्हारा नीट होने वाला है. नीट इज गोइंग टू हैपन ऑन 1st of August. कितना टाइम, एग्जैक्ट 4 months आर पेंडिंग. आपको मैं बता दूं, प्लस के प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी प्लस पर बहुत सारे प्रैक्टिस कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, क्रैश कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो रहे हैं, आने वाले अप्रैल में स्टार्ट भी होने वाले हैं. हमारा भी बच्चों क्रैश कोर्स आने वाला है इसी अप्रैल में, दैट मीन्स फ्रॉम नेक्स्ट वीक ओनली. तो अगर आप चाहते हैं कि लास्ट में एक एक्स्ट्रा पुश मार दिया जाए, वो होता है ना कि यार कोई कमी नहीं छोड़नी है, तो फिर ये कमी क्यों छोड़े. तो प्लस में बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हो सारे प्रैक्टिस कोर्सेज और क्रैश कोर्सेज के लिए. तो अगर आप 2021 वाले बच्चे हो, ठीक है, 4 महीने आपके बचे हैं, तो आपको अब सब्सक्रिप्शन 6 months का नहीं लेना है. मैम मना कर रही हैं. कौन सा सब्सक्रिप्शन लेंगे बच्चों? 3 months वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे, बिकॉज ओनली फॉर टुडे. यहां देख रहे हो, दिस इज द लास्ट डे टू अवेल दिस ऑफर, ओनली फॉर टुडे. रात के 12 बजे तक अगर आप 3 month का सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपको बेनिफिट कितना होगा? 4 month. तो बच्चे सोचते मत रहो, है ना, सोचोगे तो टाइम निकल जाएगा. पहले भी ये ऑफर आया था ऑन ह्यूज डिमांड. बच्चों ने बोला कि हम लोग अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे थे, इतनी जल्दी नहीं माने, फिर से हमने ऑफर रिलीज किया एंड इट इज वैलिड ओनली टिल टुडे 12:00 PM.
मिडनाइट, ठीक है। तो अब बच्चे अगर आप सोच रहे हो तो ले लो, 3 महीने का लेना, आपको बेनिफिट मिलेगा 31 जुलाई तक, ठीक है। देन आपका अगले दिन ही क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। और अगर मन बना लिया कि नहीं लेना तो यार यूट्यूब क्लास तो रेगुलरली अटेंड किया करो, स्पेशल क्लासेस पे आया करो, ठीक है। चलिए आ जाइए। सो मूविंग अहेड, हमारा ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट भी होने वाला है, दैट इज कॉम्बैट, एवरी संडे होता है बच्चे। हमारे पुराने कॉम्बैट के विनर्स हैं, आप भी उस कॉम्बैट में एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड सीप्लाइव। सिंपल सा कोड है, अप्लाई करना है, फ्री टेस्ट होने वाला है और यहां पर बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, बिल्कुल बच्चों मिल रही है, राइट। चलिए, एवरी संडे 60 मिनट्स का टेस्ट होता है 11 बजे। इसका डिटेल मैं आपको अलग से बताऊंगी, ऐप पर टेस्ट दे सकते हो, आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रही थी देयर आर सर्टेन बैचेस स्टार्टिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म लाइक अर्ली एंथ्यूज बैच, प्रैक्टिस बैच फॉर नीट 2021, नीट के क्वेश्चन, एम्स के क्वेश्चन बच्चों प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, हमारा भी रिविजन कोर्स चल रहा है, इन सब में आप एनरोल कर सकते हो बिल्कुल, और आज ही करोगे तो बेनिफिट है, ठीक है। अगर सोच रहे हो तो जल्दी सोचो, कन्विंस कर रहे हो पेरेंट्स को तो जल्दी करो। मंथन का टेस्ट बच्चों होने वाला है सैटरडे को, एवरी सैटरडे होता है 3 बजे, 3 PM इज आवर फिक्स टाइमिंग। इस बार आ रहा है कॉकरोच और एंडोक्राइन सिस्टम, स्टार्ट करें बेटा, शुड वी स्टार्ट। आप देख ही रहे हो कि मंथन में हमने 30th of April को आपका सिलेबस डन कर देना है, तो आज हम 11th कर देंगे, अगले एक महीने में छोटा सा तो 12th है, 12th भी कर लेंगे, yes? चलिए, so let us start guys. So कल हमने कहां तक किया था बेटा, yesterday we had discussed till, बताइए फटाफट से बताइए, ये क्या बात हुई, मुझे डॉक्टर बनना है लेकिन पढ़ना नहीं है, ऐसे तो कोई डॉक्टर नहीं बनता, ये तो वही सवाल हो गया बच्चे, मुझे पेट भरना है लेकिन खाना नहीं खाना है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इम्पॉसिबल वाली चीजों के बारे में बात मत करो, और बिना मेहनत के बन भी जाओगे, कुछ लोग बन भी जाते, बिना मेहनत के बन भी जाओगे तो फील नहीं आएगी तुमको, यू नो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। करना है तो बच्चे अपनी मेहनत से करो, तब यू विल रियलाइज कि यस आई एम ऑल्सो समथिंग, आई कैन ऑल्सो डू समथिंग ऑन माई ओन, I am independent, ठीक है। तो मेहनत से मत भागो बच्चे, मेहनत से भागोगे कभी कुछ नहीं मिलेगा, हर छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटा बच्चे जो चीज होती है ना, वो चीज आपको मेहनत से ही मिलती है, ऐसे कभी कोई चीज नहीं मिलती, किसी को फ्री में थोड़ा मिलता है कभी कुछ, पैसे देने पड़ते हैं ना, तो वैसे ही आपको भी पैसे देने पड़ेंगे। आपके लिए पैसे क्या है, आपका हार्डवर्क, जितना हार्डवर्क दोगे उतना ही आपको मार्क्स मिलेंगे, उतना ही अच्छा कॉलेज मिलेगा, यस। बच्चे कल कहां तक कर लिया था, ओके अखिल, कल हमने कंप्लीट कर दिया था हेमिकॉर्डेट्स तक, आज बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पोर्शन विच इज कॉर्डेट। क्या स्टार्ट करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा लास्ट फाइलम, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट फाइलम विच इज कॉर्डेटा, इट इज द लास्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड फाइलम बच्चों, यही है सबसे ज्यादा एडवांस्ड, इट इज द मोस्ट एडवांस्ड फाइलम। अब हर कॉर्डेट के पास 4 कैरेक्टर होते ही होते हैं, 4 फीचर्स होते ही होते हैं, चाहे किसी भी स्टेज पे प्रेजेंट हो, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हो, चाहे लार्वल स्टेज पे हो, लेकिन कभी ना कभी उसके जिंदगी में ये 4 चीजें जरूर हुई होंगी। कौन से हैं वो कॉर्डेट्स के कैरेक्टर, लेट अस टॉक अबाउट दोस कैरेक्टर, ठीक है। सबसे पहली चीज, एवरी कॉर्डेट इज गोइंग टू हैव अ नर्व कॉर्ड, ठीक है। क्या होगा बच्चे, हर कॉर्डेट के पास एक नर्व कॉर्ड होगी। नर्व कॉर्ड क्या बनाती है, नर्व कॉर्ड बनाती है बच्चे नर्वस सिस्टम। किस साइड पर प्रेजेंट होगी बॉडी की, पीछे वाली साइड, पीछे वाली साइड कौन सी होती है, साथ साथ बताते जाओ, इज इट डॉर्सल और इज इट वेंट्रल, पीछे वाली साइड बच्चे कौन सी होती है आपकी, डॉर्सल। सो एवरी कॉर्डेट इज गोइंग टू हैव डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, यस। क्या होगा, डॉर्सली प्लेस्ड एंड बेटा हॉलो, क्या चीज, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड को कंफ्यूज नहीं करना है किसी ने भी नोटोकॉर्ड से, नोटोकॉर्ड एंटायरली डिफरेंट चीज है, नर्व कॉर्ड एंटायरली डिफरेंट चीज है, ठीक है। सो देयर इज गोइंग टू बी डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, जो कि क्या बनाएगी, देखो नर्व क्या बनाएगा, नर्व क्या बनाएगा, नर्व सेल क्या बनाएंगे, नर्वस सिस्टम बनाएंगे, विच आर अल्टीमेटली गोइंग टू फॉर्म द ब्रेन प्लस द स्पाइनल कॉर्ड,
which is the major part of the nervous system. So every caudate will have this feature, that is, they are going to have the dorsal hollow nerve cord. Then underneath the nerve cord, there is going to be presence of a solid elastic structure, which is called as, which beta G is called as notochord. ये जो मैंने स्ट्राइप स्ट्रक्चर बनाया नर्व कॉर्ड के वेंट्रल प्रेजेंट होगा बट बॉडी में डॉर्सली अरेंज्ड है. दिस इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड. क्या बोलोगे इसको? नोटोकॉर्ड. नाउ दिस नोटोकॉर्ड बच्चे हमने किया था, इट इज सॉलिड. कहाँ से बनती है, कौन सी जर्म लेयर से बनती है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, है ना, मीजोडर्मली डिराइव्ड. तो कभी ना कभी जिंदगी में हर कॉर्डेट के नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होगी. कभी ना कभी बच्चों लाइफ में कभी ना कभी, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हो, चाहे वो एडल्ट तक रुक जाए, चाहे वो लार्वल स्टेज में हो, कभी ना कभी उनकी बॉडी में ये नोटोकॉर्ड जरूर प्रस्तुत होगी. राइट बेटा, अब इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा? इसके नीचे प्रेजेंट होगा इनका एलिमेंट्री कैनाल. सो ये मैंने बना दिया एलिमेंट्री कैनाल, राइट, विच इज गोइंग टू एंड इन टू एनस. एंड लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, एनस के बाद में क्या मिल जाएगा? देयर इज गोइंग टू बी पोस्ट एनल टेल. क्या मिलेगा? पोस्ट एनल टेल. दिस इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ कॉर्डेट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, दे आर ऑल्सो गोइंग टू हैव पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन. पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स. Yes guys, so every chordate, they are going to have these four features one or the other time of their lifetime. One is going to be a nerve cord, second one is going to be presence of notochord, next it is going to be presence of paired pharyngeal gill slits, and then post anal tail, basically for maintaining the posture as well as the balancing. ये चीज़ याद रहेगी सबको, ये चीज़ याद रहेगी कि chordate के पास कौन सी ऐसी चार चीज़ें हैं, which is without any exception, हर chordate के पास आपको ये चीज़ें मिल ही जाएंगी, कभी भी मिल सकती हैं. अब आप पूछोगे मैम हमारी notochord कहाँ है, कोई आंसर दे सकता है? नर्व कॉर्ड तो तुम्हें पता है, उसने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना लिया. व्हाट अबाउट आवर नोटोकॉर्ड, कहाँ है भाई? कम ऑन गाइस, कहाँ पर है हमारी सॉलिड नोटोकॉर्ड? कहाँ है? सॉलिड ही होती है ना. नोटोकॉर्ड इज गोइंग टू बी द सॉलिड, नर्व कॉर्ड इज हॉलो. यस, कहाँ है? खो गई क्या? हम कॉर्डेट नहीं है. यस गाइस, कहाँ है? कम ऑन बताओ. बेंट है. हाँ जी, हमारी नोटोकॉर्ड इज एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम. वेरी नाइस कोयल एंड अनन्या, एब्सोल्युटली. हमारे पास भी नोटोकॉर्ड थी, एम्ब्रियोनिक एज में नोटोकॉर्ड थी, लेकिन बच्चों वो रिप्लेस हो गई, उसने क्या बना लिया? वर्टिब्रल कॉलम. सो डिपेंडिंग अपॉन दिस हम कॉर्ड डेटा की क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे. लेट अस मूव टू द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन से पहले आपके कॉर्ड डेटा के पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट फीचर है. सबसे पहले हमने देखा कि नर्व कॉर्ड होगी ही होगी, ठीक है. नेक्स्ट बेटा, लाइफ में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड होगी विच इज प्रेजेंट डॉर्सली. नेक्स्ट बेटा, हमारे पास हार्ट भी होगा, ठीक है, लेकिन हार्ट इज गोइंग टू बी सिचुएटेड ऑन दिस साइड एंड दिस साइड इज कॉल्ड एज वेंट्रल साइड. कैसा है बेटा? दिस इज Somewhere we are comparing chordates from non-chordates. जो non-chordate थे, अगर उनके पास heart है, जैसे cockroach के पास heart है, उसका heart कहाँ पर है? पीछे की side पे. Yes, dorsally placed. हमारा heart क्या है? Ventrally. अगर आप non-chordates में देखोगे, उनकी जो nerve cord है होती है, लेकिन कहाँ पर होती है? Ventral होती है. हमारी जो nerve cord है बेटा, वो कहाँ पर होगी? Dorsal होगी, plus बच्चे single होगी और hollow होगी. वहाँ क्या scene चलता है? वहां क्या सीन चलता है बच्चों? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. यहां पर क्या है? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड. राइट बेटा, राइट. ये सब सबको समझ आ गया. हमारे पास बच्चे गिल स्लिट्स भी होंगे, उनके पास नहीं होते हैं. राइट, सो दीज आर सर्टेन डिफरेंसेस विच यू हैव टू लर्न बिटवीन कॉर्डेट्स एज वेल एज नॉन कॉर्डेट्स. बिल्कुल ठीक आदर्श. अब बात करते हैं कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन. नाउ द फाइलम कॉर्डेटा, याद रखना है कॉर्डेटा एक फाइलम है. फाइलम आगे डिवाइड किस में हो रहा है? पहले डिवाइड हो रहा है बेटा सब ग्रुप्स पे. इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स.
क्या बना रहे हैं यहाँ पर हम? सब ग्रुप्स बना रहे हैं. पहला सब ग्रुप कौन सा बना है? फर्स्ट सब ग्रुप इज गोइंग टू बी ए क्रेनिएटा. ए क्रेनिएटा, ठीक है. सेकेंड वन इज गोइंग टू बी क्रेनिएटा. अच्छा, ए क्रेनिएटा मतलब, ए मतलब एब्सेंट, क्रेनियम मतलब ब्रेन का बॉक्स, स्कल. जिन कॉर्डेट्स के पास क्रेनियम नहीं होगा वो थोड़े पिछड़े हुए कॉर्डेट्स हैं. पिछड़े हुए मतलब प्रिमिटिव कॉर्डेट हैं. प्रिमिटिव कॉर्डेट के लिए और क्या यूज कर सकते हो? प्रोटोकॉर्डेट है. क्या है? प्रोटोकॉर्डेट्स है, ठीक है. सो दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सब ग्रुप विच इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेटा और एक्रेनिएटा. अब जिन कॉर्डेट्स के पास क्रेनियम आ गया, जैसे हमारे पास है, ये तो बच्चों नेचुरल हेलमेट है. अब आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए. जब हम बाइक पे जाते हैं, स्कूटर पे जाते हैं, तो हम क्या पहनते हैं? एक आर्टिफिशियल हेलमेट भी पहनते हैं. बट भगवान ने हमारे पास एक नेचुरल हेलमेट भी दिया हुआ है, दैट इज योर दिस क्रेनियम. तो जिनके पास ये क्रेनियम होगा, दे वुड बी क्रेनिएटा, ऑल्सो कॉल्ड एज यूकॉर्डेटा. यूकॉर्डेटा मतलब ट्रू कॉर्डेट्स, ठीक है बेटा. तो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स में आ जाएंगे दो सब फाइलम. ये चीज याद रखनी है कि मैं किसको सब ग्रुप बोल रही हूं, किसको सब फाइलम बोल रही हूं. दिस इज गोइंग टू बी सब फाइलम. ओके गाइस, फर्स्ट सब फाइलम. हां जी, किसको याद है? यस, हाइड्रा. इज हाइड्रा टोटिपोटेंट और प्लूरिपोटेंट? हाइड्रा बच्चे ऑर्गेनिज्म है. टोटिपोटेंसी और प्लूरिपोटेंसी तो एक सेल का फीचर है. हाइड्रा हैज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वो नाइडेरिया में आता है, ये कोई सवाल ही नहीं बना. आप ये बोल सकते हो कि मैम हाइड्रा के अंदर कौन सा सेल है जो टोटिपोटेंट है? यस, दिस इज अ क्वेश्चन. दैट सेल इज गोइंग टू बी इंटरस्टिशियल सेल. नाइडेरिया के पास जो टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं बेटा, वो कौन से होते हैं? इंटरस्टिशियल होते हैं. हाँ जी, एन के बैनर्जी, बिल्कुल ठीक. एन के बैनर्जी ने ठीक आंसर दिया है कि यूरोकॉर्डेटा के अंदर दो सब फाइलम होंगे. वन इज गोइंग टू बी यूरोकॉर्डेटा. हां जी, प्रोटो में पहला आ जाएगा आपका यूरोकॉर्डेटा, एंड नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी सिफेलोकॉर्डेटा. ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा, ये दोनों प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं, ठीक है. और क्रेनिएटा के अंदर सब फाइलम कौन सा आएगा? हियर द सब फाइलम इज गोइंग टू बी वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा वो है जिनके पास नोटोकॉर्ड तो थी बेटा, बट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम. ये बात समझ आई? यस गाइस, बिल्कुल ठीक. देखो, क्वेश्चन अगर आएगा एनिमल किंगडम में से, क्लासिफिकेशन, ये जो टेबल बने हुए हैं ना वर्टिब्रेट्स में, कॉर्डेट्स में, इसमें से पक्के से क्वेश्चन आ सकता है आपको. प्लस मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लस आपको एग्जांपल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड मेजरली वो एग्जांपल आएंगी जो आपकी एनसीईआरटी में ही दी हुई हैं. हमने लास्ट ईयर का ट्रेंड देख लिया, क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन बच्चों उसने एक मैच द फॉलोइंग में, एग्जामिनर ना बड़ा स्मार्ट है, वो कहता है यार एनिमल किंगडम इतना बड़ा चैप्टर है, इसमें से 10-15 सवाल तो पूछ नहीं सकते, पूछ तो हम 3-4 ही सकते. तो क्या करते हैं, यार मैच द फॉलोइंग बना देते हैं. मैच द फॉलोइंग में चार पॉइंट्स होंगे, चार डिफरेंट कॉन्सेप्ट, चार डिफरेंट क्वेश्चन को मर्ज करके एक मैच द फॉलोइंग बन जाता है. यस गाइस, यस, चलिए आ जाइए. सो प्रोटोकॉर्डेटा में दो आ जाएंगे सब फाइलम, यूरो एज वेल एज सिफेलो. क्या मतलब होगा यूरोकॉर्डेटा का? यूरोकॉर्डेटा वो है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रस्तुत है, लेकिन कहां पर? यूरो में. दिस यूरो वर्ड इज यूज्ड फॉर टेल. किसकी टेल? भाई लार्वा की टेल. यहां पर लार्वा इज मोर एडवांस देन एडल्ट. यही फीचर आपने कहां देखा था? इकाइनों में देखा था, है ना, जहां पर बच्चे थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है पेरेंट से. यहां पर भी ऐसे है बच्चों. यहां पर लार्वा की टेल के पास क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड. एडल्ट के पास देयर इज नो नोटोकॉर्ड. तो क्या पता चला कि मोर एडवांस लार्वा इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिंपलर एडल्ट. इस टाइप के मेटामॉर्फोसिस में प्रोग्रेस तो नहीं हो रही, हम तो उल्टा चल रहे हैं. पहले एडवांस थे, फिर बच्चे कम एडवांस हुए. इस मेटामॉर्फोसिस को क्या बोलोगे? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. हाय हेलो हो गया बेटा, हाय हेलो हो चुका है, ठीक है. सो हियर नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट कहां पर? इन द टेल ऑफ लार्वा, ठीक है. लार्वा ज्यादा एडवांस्ड है एडल्ट से, तो भाई कौन सी मेटामॉर्फोसिस हुई? रेट्रोग्रेसिव.
हम थोड़ा सा प्रिमिटिव फीचर की तरफ आ गए, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। यस गाइस, अब यूरोकॉर्डेटा का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, चलने के लिए मना कर रहा है बच्चों, पेन चलने के लिए मना कर रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा। Why? Because the body is covered by leathery tunic. Tunic का मतलब, tunic वैसे कपड़े को भी बोलते हैं, females को शायद पता होगा, tunic is a kind of long top, है ना? तो tunic यहाँ पर क्या बोला है, tunic term is used for leathery coat which surrounds their body. So that is why they are also called as tunicata, urocordata and they show retrogressive metamorphosis. अब यार इनके बारे में अगर बात करें, देयर एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल अब बहुत सारी हैं, लर्न करने का एक तरीका है। एक बेटा निमोनिक याद कर सकते हो, फॉर यूरोकॉर्डेट द निमोनिक इज गोइंग टू बी डैश, DASH। आजकल वो आ रहे हैं ना चार्जर्स, जो फास्ट वाले चार्ज करते हैं मोबाइल को, उनको क्या बोलते हैं, डैश चार्जर्स, है ना, दे आर डैश चार्जर्स। तो डी फॉर क्या हो जाएगा, डी इज गोइंग टू स्टैंड फॉर डोलियोलम, ठीक है, डोलियोलम। A is for acidia, है ना, तुम्हारे पास भी होगा डैश चार्जर। S is for salpa, ठीक है, and H is for herdmania, herdmania, and their simple common name is going to be sea squirts, ठीक है। So ये सारी एग्जाम्पल किसकी रहेंगी, आपकी यूरोकॉर्डेट्स की रहेंगी। हाँ, ट्रैवल चार्जर बोल लो, डैश चार्जर बोल लो, जो भी चार्जर है तुम्हारे पास, तो भाई चार्जर से तुमको याद रखना है कि यूरोकॉर्डेटा की एग्जांपल्स क्या है, डोलियोलियम, एसिडिया, सैल्पा एज वेल एज हर्डमेनिया। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन, दे हैव गॉट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टम तो बेटा ओपन है, लेकिन इनके पास हार्ट होता है, हार्ट इज वेल डेवलप्ड, हार्ट बेटा इट इज वेल डेवलप्ड। तो यूरोकॉर्डेटा के सारे फीचर पता चल गए, बॉडी इज कवर्ड बाय टेस्टी कोट, लेदरी कोट विच इज कॉल्ड एज ट्यूनिक, लोटोकॉर्ड वुड बी ओनली इन द टेल ऑफ द लार्वा, एडल्ट इज गोइंग टू बी लेस एडवांस, सो दैट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब फाइलम विच वॉज सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। अच्छा, सिफेलोकॉर्डेटा का नाम सिफेलोकॉर्डेटा क्यों पड़ा, सिफेलिक टर्म इज यूज फॉर हेड, है ना, सो नोटोकॉर्ड हेयर इज गोइंग टू बी परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी जिंदगी रहेगी, कहां से कहां, फ्रॉम हेड टू टेल, पूरी की पूरी बॉडी में, लंबाई में नोटोकॉर्ड इनके प्रेजेंट रहेगी और पूरी जिंदगी रहेगी। सो नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड बच्चे इट इज गोइंग टू बी परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, throughout their life, and beta it extends from head to tail, ठीक है, ये main feature है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है, cephalocordata। इनके पास जो circulatory system है वो closed हो गया है, now they have got closed circulatory system but no heart, closed circulatory system, लेकिन बेटा इनके पास कोई heart नहीं है, ठीक है। एक्सक्रीशन वेरी इंपॉर्टेंट, देयर एक्सक्रीशन वुड बी डन बाय, अच्छा ये तो आप ही बताएंगे, एक्सक्रीशन इज डन बाय द सेल्स विच परफॉर्म एक्सक्रीशन इन प्लैटीहेलमिंथीस। कम ऑन गाइस, प्लैटीहेलमिंथीस में कौन एक्सक्रीशन करता था, जरा याद करके बताओ। यस गाइस, प्लैटीहेलमिंथीस में कौन एक्सक्रीशन करता था, यस कम ऑन, बिल्कुल ठीक, सबसे फास्ट आंसर यार, तुम, मैंने तो तुम्हें बोला हुआ, तुम्हारी टाइपिंग स्पीड इतनी फास्ट है कि तुम कहीं भी जाकर स्टेनोग्राफर बन सकते हो, टाइपिस्ट बन सकते हो, है ना, तो अपनी टाइपिंग स्पीड की स्किल यहां पर दिखाया करो। यस, एक्सक्रीशन इज डन बाय, वेरी नाइस, दैट इज प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट्स, प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट्स, जिनको आप क्या बोलते हो, फ्लेम सेल, ठीक है, सोलेनोसाइट्स, so which in common भाषा is called as flame cells, right बेटा, excretion हो गया, respiration ये अपनी body से ही कर लेंगे, respiration is going to happen by their general body surface, body surface, ठीक है, right guys,
एंड द एग्जाम्पल ऑफ द सिफेलोकॉर्डेटा इज गोइंग टू बी द वन जिसकी बॉडी ना बिल्कुल नैरो है एंड्स पर, दैट इज कॉल्ड एज लेंसलेट ब्रेंकियोस्टोमा एम्फियोक्सस, राइट? सो द एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी एम्फियोक्सस. बॉडी इसकी लेंस लाइक है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लेंसलेट, ठीक है? और ब्रेंकियोस्टोमा. So, ये कैरेक्टर हो जाएंगे आपके दोनों प्रोटोकॉर्डेट्स के. पहला हमने प्रोटोकॉर्डेट किया, दैट वॉज यूरोकॉर्डेटा. देन बेटा हमने किया सिफेलोकॉर्डेटा. मेजर अंतर नोटोकॉर्ड में, यहां नोटोकॉर्ड है बट इन द टेल ऑफ द लार्वा यहां नोटोकॉर्ड पूरी जिंदगी रहेगी, ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम हेड टिल टेल. देन बच्चे यूरोकॉर्डेटा में एक्सक्रीशन इज डन बाय न्यूरल ग्लैंड्स, हियर इट इज डन बाय योर सोलेनोसाइट्स. अब बात करेंगे हम किसकी. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सब फाइलम विच इज कॉल्ड एज वर्टिब्रेटा. सब फाइलम कर रहे हैं, पहले था सब ग्रुप, क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा ग्रुप का नाम है सब ग्रुप, और उसके अंडर क्या है, सब फाइलम. स्टार्टिंग विद सब फाइलम वर्टिब्रेटा. सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है बच्चों, सब फाइलम वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसमें नोटोकॉर्ड तो है बट नोटोकॉर्ड बच्चों इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम. दैट वर्टिब्रल कॉलम कुड बी बोनी, दैट वर्टिब्रल कॉलम कुड बी कार्टिलेजनस, कैसा भी हो सकता है, लेकिन बेटा नोटोकॉर्ड इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय दिस वर्टिब्रल कॉलम. अब बच्चे इस सब फाइलम की आगे डिविजन है. यस, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू वेरियस डिविजन्स, ठीक है? कौन कौन सी डिवीजन आएंगी? सबसे पहली, जिनके पास जॉज नहीं है, जॉलेस वर्टिब्रेट्स, दे आर कॉल्ड एज एगनेथा. एगनेथा, एगनेथा, ए मतलब एब्सेंट, गनाथा वर्ड हैज कम फ्रॉम जॉज, सो दे आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स, जॉलेस वर्टिब्रेट्स. यस बच्चों, ठीक है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट डिवीजन इज गोइंग टू बी गनाथोस्टोमेटा. गनाथोस्टोमेटा, दैट मीन्स इनके पास, इनके माउथ में क्या प्रेजेंट होंगे, जॉज, दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट. यस बच्चों, सो दो डिविजन्स होगी, एगनाथा प्लस क्या होगा आपका, गनाथोस्टोमेटा. अच्छा, इस सब डिविजन में, इस डिविजन में आगे क्या आ जाते हैं आपके, नेक्स्ट देर आर गोइंग टू बी सर्टेन क्लासेस. एक नाथा की क्लास कौन सी रहेगी, वन इज गोइंग टू बी ऑस्ट्राकोडर्माए, ऑस्ट्राकोडर्माए जो कि एक्सटिंक्ट है, दिस इज एक्सटिंक्ट बेटा, अब नहीं है. नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी साइक्लोस्टोमेटा, जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, वेरी इंपॉर्टेंट. इधर आ जाओ गनाथोस्टोमेटा में, गनाथोस्टोमेटा में बात करें सो देर आर गोइंग टू बी सुपर क्लास. सबसे पहले क्या होगा, सुपर क्लास. दो सुपर क्लासेस है बच्चों, वन इज गोइंग टू बी पाइसिस, जिसके पास फिन्स होते हैं, ठीक है, पाइसिस जिसके पास क्या है, फिन्स. अदर वन इज कॉल्ड एज टेट्रापोडा. टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब अपेंडिजेस. अपेंडिजेस को आप क्या बोल सकते हो, लिम्स बोल सकते हो. यस, सो दे आर गोइंग टू हैव लिम्स. नाउ दीज सुपर क्लासेस दे आर गोइंग टू हैव क्लासेस, है ना? तो पाइसिस में बेटा तीन क्लासेस होंगी. पहली क्लास है प्लैकोडर्माए, जो कि एक्सटिंक्ट है, प्लैकोडर्माए विच इज एक्सटिंक्ट. नेक्स्ट इज कॉन्ड्रिक्थीस, साथ साथ बताओ, कॉन्ड्रिक्थीस कार्टिलेजनस फिशेस, एंड अदर वन इज ऑस्टेक्थीस विच इज बोनी फिशेस. सेम वे सुपर क्लास टेट्रापोडा में भी देर आर फोर क्लासेस, वन इज एम्फीबिया, हाँ जी सबसे आसान. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी रेप्टिलिया, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी एप्स, एंड द मोस्ट एडवांस्ड इज गोइंग टू बी मैमेलिया. यस गाइस, पता चला? तो अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं ट्रू और फॉल्स में, अब इसका आंसर देना, सब बच्चे आंसर देंगे, ध्यान से सुनना. ऑल वर्टिब्रेट्स दे आर कॉर्डेट्स, हाँ जी, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? All vertebrates, they are chordates. मैं यहां लिख रही हूं. Statement is all vertebrates, they are chordates. And all chordates,
दे आर वर्टिब्रेट्स. अब तो आपने पूरी क्लासिफिकेशन कर ली. आउट ऑफ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू विच इज ट्रू, इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है? All vertebrates they are chordates, मैंने पहली लाइन लिखी. Then all chordates they are vertebrates. Out of these two, कौन सी सच बात है? Yes, statement one और statement two is true. बच्चे बोल रहे statement two is true. All chordates are vertebrates. अच्छा कुछ बोल रहे one. All vertebrates are chordates. तो ये जो बच्चा है ना, इसका नाम मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ. Mr. Boom. Yes, ये जो Boom बच्चे ने दिया है कि two, statement number two is correct. That is not correct, बच्चों. हमने अभी किया है कि core data के अंदर क्या आते हैं? Vertebrate आते हैं, ठीक है? और यहाँ पर कुछ protocordate भी तो आते हैं, urocordata, cephalocordata, ये सब भी तो आते हैं. ये थोड़ा vertebrate है. So all vertebrates, no doubt they are chordate. But all chordates, ये देखो बच्चे, ये all chordates है, ये सारे vertebrate नहीं है, ये थोड़ा vertebrate है, सिर्फ यही वाला वर्टिब्रेट है ना. सो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी स्टेटमेंट नंबर वन, दैट ऑल वर्टिब्रेट्स दे आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स. ये चीज याद रहेगी. सिर्फ कौन सी स्टेटमेंट बच्चों ट्रू थी? दैट वाज स्टेटमेंट नंबर वन. स्टेटमेंट नंबर टू इज गोइंग टू बी फॉल्स स्टेटमेंट. यस बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं? नाउ वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑफ एगनाथा. किसके बारे में बात करेंगे? वर्टिब्रेटा के अंदर पहला डिविजन, दैट इज एगनाथा. एगनाथा के बच्चों एक तो क्लास थी ऑस्ट्राकोडर्माई, वो एक्सटिंक्ट है, ठीक है. इसके बाद हम बात करेंगे जो अभी भी लिविंग है, दैट इज साइक्लोस्टोम्स. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइक्लोस्टोम्स. सो साइक्लो वर्ड समझो बच्चों. साइक्लो का मतलब राउंड. साइकिल चलाते हो ना, साइकिल का पहिया क्या होता है? राउंड ही होता है ना. स्टोमा वर्ड, स्टोमा इज गोइंग टू बी देयर माउथ. दैट मीन्स देयर माउथ इज गोइंग टू बी राउंड. राउंड को क्या बोल सकते हैं? सर्कुलर बोल सकते हैं. सो दे आर गोइंग टू हैव सर्कुलर माउथ विच इज सकिंग. यस, इनका माउथ कैसा होगा बच्चे? सर्क्युलर सकिंग माउथ विदाउट जॉज. विदाउट जॉज क्यों है? क्योंकि ये एगनाथा है. यस बेटा, क्योंकि ये एगनाथा है, इसीलिए इनके पास जॉज नहीं है. अब अगर इनका माउथ सकिंग है तो कोई तो पर्पस करता होगा, है ना. सकिंग वाला नेचर आपने और कहां देखा था? फ्लैटवर्म्स में देखा था, राइट. प्लैटीहेलमिंथीज में देखा था. दे ऑल वर एंडोपैरासाइट. यहां पर भी बच्चे अगर सकिंग माउथ है तो इनकी बॉडी की नेचर क्या है? ये भी पैरासाइट है, लेकिन कहां पर? फिशेस की बॉडी के ऊपर. सो दे आर एक्चुअली एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस. आपने पता नहीं देखा है नहीं, एक फिश के ऊपर, जैसे कभी शायद आपने डॉग के ऊपर देखा होगा. इफ यू हैव सम पेट डॉग्स और इफ यू सी डॉग्स वेरी मच केयरफुली, देन यू विल सी कि उनके बालों के बीच में ना, हेयर के बीच में, यू विल सी सर्टेन टिक्स एंड माइट्स जो सक करते हैं, राइट. सेम थिंग इज प्रेजेंट ओवर हियर. ये फिशेस के ऊपर ना बहुत सारे साइक्लोस्टोम्स प्रेजेंट होंगे एंड दे विल कीप ऑन सकिंग द फ्लूइड आउट ऑफ द फिशेस. सो दे आर एक्चुअली एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस एंड दे हैव इलोंगेटेड बॉडी विद 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स. ठीक है, अभी ये ट्रू फिशेस नहीं है, ये फिशेस के ऊपर जो पैरासाइट है ये वो है. सो दे डोंट हैव एनी स्केल्स, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फिन्स. फिन्स आपको कहां पर मिलेंगे? पेयर्ड फिन्स कहां पर मिलेंगे? पाइसेस में मिलेंगे. देन देयर क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम दे आर कार्टिलेजनस. हमने बात की थी कि वर्टिब्रेटा के पास वर्टिब्रल कॉलम होगा, लेकिन बोनी भी हो सकता है, कार्टिलेजनस भी हो सकता है. यस बच्चों, तो इनका कैसा है वर्टिब्रल कॉलम? दैट इज कार्टिलेजनस. सर्कुलेशन नाउ इज गोइंग टू बी क्लोज टाइप. अब सबके पास क्लोज सर्कुलेशन होगी, ओपन का मामला ही खत्म हो गया, ठीक है. साइक्लोस्टोम्स, ये बात ध्यान देना. देखो वैसे तो ये अपनी पूरी जिंदगी कहां बिताते हैं? समुद्र में बिताते हैं. दे आर एक्चुअली मरीन वाटर ऑर्गेनिज्म. लेकिन बच्चों जब इनको रिप्रोडक्शन करनी होती है, रिप्रोडक्शन मतलब जब इनको स्पॉनिंग करनी होती है, तो कुछ समय के लिए कहां पर आ जाएंगे? फ्रेश वाटर में आ जाएंगे. यहां पर आकर ये क्या करेंगे? स्पॉनिंग करेंगे. दे आर गोइंग टू परफॉर्म स्पॉनिंग. दैट मीन्स हेयर दे आर गोइंग टू फॉर्म देयर लार्वा एंड हेयर द लार्वा इज एमोसीट लार्वा.
एमोसीट लार्वा, ठीक है। वैसे तो सारी जिंदगी मरीन वाटर में, लेकिन स्पॉनिंग करने के लिए कहाँ आ गए हैं, फ्रेश वाटर में आ गए हैं। यहाँ पर बच्चे इन्होंने क्या बना लिया है, लार्वा बना लिया है। लार्वा बनाने के बाद एडल्ट की डेथ हो जाएगी एंड दिस लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस विल रिटर्न बैक इनटू मरीन वाटर। देख रहे हो कि जो पेरेंट था, पेरेंट ने अपनी जान ही गंवा दी है बच्चे के लिए। यही हुआ है कि एडल्ट आया, एडल्ट ने स्पॉनिंग की, नेक्स्ट लार्वा बना, एडल्ट की डेथ। नाउ दैट लार्वा विल देन मेटामॉर्फाइज इनटू एडल्ट एंड विल रिटर्न बैक इनटू मरीन वाटर। दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन जिसमें बच्चों मरीन से फ्रेश वाटर में आ रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्पॉनिंग, दिस इज कॉल्ड एज एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज एनाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। यस, अगर यही उल्टा हो जाए, वैसे ये तो एनाड्रोमस करते हैं, बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश वाटर में अपनी जिंदगी बिताते हैं लेकिन स्पॉनिंग के लिए कहां पर आते हैं, मरीन में, एंड देन दे विल रिटर्न बैक इनटू फ्रेश वाटर। दिस माइग्रेशन इज कॉल्ड एज कैटाड्रोमस। लेकिन आपको याद रखना है कि साइक्लोस्टोम में कौन सी माइग्रेशन होगी, दैट इज गोइंग टू बी एनाड्रोमस माइग्रेशन, राइट बच्चों। सो दे आर गोइंग टू माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू द फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद पेरेंट की डेथ, द एडल्ट इज गोइंग टू डाई, लेकिन उनके लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस दे विल रिटर्न इनटू द ओशंस। एग्जांपल बेटा, पेट्रोमाइसिन, लैम्प्रे, मिक्सिन और हैगफिश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। यस, चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट वन। ये जितने बच्चे पूछ रहे हैं कि डाउट्स कहाँ पूछेंगे, डाउट्स के लिए बच्चे यू हैव टू रेफर टू माय स्पेशल क्लास। आज मैंने स्पेशल क्लास रखी डाउट सॉल्विंग है, बिल्कुल, दैट इज आस्क मी एनीथिंग सेशन। आप अपना सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट लेके आओ, आप अपना नॉर्मल प्रेपरेशन रिलेटेड डाउट है या आपको कोई साइकोलॉजिकल डाउट है, जो भी आप पूछना चाहते हो आप वो पूछ सकते हो। आज शाम को 6:15 बजे, मतलब इस क्लास के खत्म होने के बाद आपको गैप मिलेगा, आराम करना, उसमें खाना पीना करना, देन बच्चे आ जाना आप 6:15 बजे इन माय स्पेशल क्लास। यस, चलिए। सो ये बात हो गई आपके साइक्लोस्टोम की, विद दिस वी आर डन विद एग्ना था, क्योंकि ऑस्ट्राकोडर्माई तो एक्सटिंक्ट है। आगे आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी योर गनाथोस्टोमेटा। गनाथोस्टोमेटा वो है जिनके पास जॉस है ना। इसमें आपको दो सुपर क्लास मिलेंगी, पहली मिलेगी पाइसेस। यस बच्चे, फर्स्ट क्लास सुपर क्लास दैट यू आर गोइंग टू गेट इज पाइसेस। पाइसेस में पहली मैंने आपको एक क्लास बताई थी जो एक्सटिंक्ट है, अभी बताइए नाम बताइए, जरा देखें। स्कूल में पूछते हैं ना टीचर, रीडिंग इज गोइंग ऑन ऑफ द चैप्टर, एंड देन बच्चों टीचर पूछेगी एक बच्चों खड़ा करके, हाँ बताओ मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, बस वही हो रहा है। हाँ बताओ बच्चों मैंने क्या बताया था, पाइसेस की पहली क्लास जो कि एक्सटिंक्ट है। यस, हाँ देख ही रहे हो कि कितना रंग खेला मैम ने, राइट, कितना रंग खेला है, हर जगह आपको ये कलर दिख रहा है। यस बच्चों, ये मैम की होली के रंग अभी भी जो रेमिनेंट्स है ना वो बचे हुए हैं, सो कहीं कहीं आपको दिख जाएंगे। यस, हाँ जी बताइए बताइए बताइए, दैट इज गोइंग टू बी प्लैकोडर्माई, एब्सोल्युटली राइट हर्ष शर्मा, दैट इज गोइंग टू बी प्लैकोडर्माई। सो पाइसिस बेटा, पाइसिस कि पहली क्लास एक्सटिंक्ट है प्लैकोडर्माई, दूसरी क्लास है बच्चे कार्टिलेजिनस फिशेस विच इज कॉन्ड्रिक्थीज, और अगली क्लास हम पढ़ेंगे ऑस्टिक्थीज। चलिए आ जाइए, लेट अस टॉक अबाउट कॉन्ड्रिक्थीज। देखो ये हैं आपकी ट्रू फिशेस, दीज आर एक्चुअली ट्रू फिशेस। ट्रू फिशेस का मतलब है कि इनके पास प्रॉपर फिन्स हैं, दे ऑल आर एक्वाटिक एंड दे विल स्टे इनसाइड वाटर। नाउ डिविजन, इनको हमने क्लासीफाई किस हिसाब से किया, कॉन्ड्रिक्थीज वो है जिनका जो एंडोस्केलेटन है दैट इज कार्टिलेजनस, दे हैव गॉट कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन, जबकि आपके ऑस्टिक्थीज के पास बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा। सिंस ये पानी में है तो बॉडी तो क्या होगी, स्ट्रीमलाइंड ही होगी। और देखिए अगर आपकी कॉन्ड्रिक्थीज को, देयर बॉडी इज गोइंग टू बी लाइक दिस। यस, देख रहे हो, लुक एट देयर माउथ, देयर माउथ इज सिचुएटेड ऑन द लोअर साइड। लोअर साइड कौन सी होती है बेटा, वेंट्रल साइड। सो इनका माउथ कैसा हो जाएगा, वेंट्रल माउथ। इनके जो टीथ है दे आर एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ देयर प्लेकोइड स्केल्स। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रही हूं मैं इनके बारे में। सो माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, एंड बच्चों देयर
कॉडल फिन इज एक्चुअली गोइंग टू बी हेटेरो सर्कल, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा. यस, लाइक दिस. सो दे आर गोइंग टू हैव हेटेरो सर्कल कॉडल फिन. ठीक है, यस. चलिए रीड करते हैं. सो दे आर गोइंग टू हैव, दे ऑल आर मरीन वाटर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कोई भी कॉन्ड्रिक्थीज फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगी. विद स्ट्रीमलाइन बॉडी विच इज अप्रोप्रिएट फॉर स्विमिंग, राइट. एंड दे हैव कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन. तभी इनका नाम क्या पड़ा है, कॉन्ड्रिक्थीज. कॉन्ड्रा वर्ड इज रिलेटेड टू कार्टिलेज. माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, अभी हमने देख लिया है. नूटोकॉर्ड इज गोइंग टू स्टे परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ. पूरी की पूरी लाइफ इनके पास क्या रहेगी, नूटोकॉर्ड रहेगी. नेक्स्ट थिंग, गिल स्लिट्स आर देयर बट दे आर नॉट कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम. जो कि ये कवरिंग आपको कहाँ मिलेगी, बोनी में मिलेगी, राइट. एंड द टीथ इज द मॉडिफिकेशन, टीथ बेटा इज द मॉडिफिकेशन ऑफ देयर प्लेकोइड स्केल्स. एक एक लाइन बच्चों, एक एक लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो दे टीथ आर द मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल डायरेक्टेड बैकवर्डली. जॉज तो होंगे क्योंकि गनाथोस्टोमेटा है, ठीक है. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द एयर ब्लैडर, अब इनके पास ना हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन नहीं है, एयर ब्लैडर नहीं है. हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन क्या करता है, बायंसी मेंटेन करता है. सिंस इनके पास बायंसी मेंटेन करने वाला कुछ नहीं है, तो भाई इनको हर वक्त चलते रहना है, ये रुक नहीं सकते हैं, राइट. सो हर वक्त इनका स्ट्रगल चल रहा है. दे कैन नॉट स्टे रेस्टेड एट वन प्लेस, दे हैव टू मूव कॉन्टिन्यूसली, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, राइट बच्चों. पाइसिस का हार्ट कैसा होता है, द हार्ट इज गोइंग टू बी टू चेंबर्ड हार्ट. Some of them, they have got electric organ. याद रखना है, ये जो आपकी cartilaginous fishes है ना, they mostly are predaceous. Attackers है, छोड़ती नहीं है किसी को. जैसे मैं आपको एक बताऊँ, पहली वाली टॉर्पीडो, इसके पास क्या है, इसके पास मसल्स है. मसल्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड टू फॉर्म इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जो कि करंट लगाती है सामने वाले को, बच्चे करंट से घायल कर देगी. क्या चीज, किसने बनाया इलेक्ट्रिक ऑर्गन, दे आर मसल्स. Their muscles, they are modified into their electric organs. Then बच्चों, कुछ के पास क्या है, poison sting है. कहां से आया, their dorsal fin, their dorsal fin is modified to form poison sting. ठीक है, their dorsal fin is modified to form poison sting, that is trigon. तो torpedo, trigon, ठीक है. And बच्चों, they are poikilothermal, क्योंकि बच्चों इनके heart में there is only going to be deoxygenated blood. Blood में इनकी body में there is mixing. तो proper oxygenated blood सारे organs को नहीं मिल रहा है, mixing हो रही है. इसकी वजह से इनकी body cannot maintain a constant body temperature. That is why they are called as cold blooded. Yes बच्चे, cold blooded. So they lack the capacity to regulate their body temperature. तुम लोग क्या हो, वार्म ब्लडेड हो. क्योंकि यार बाहर चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमारी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट हाइपोथैलेमस अच्छा काम कर रहा है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में. क्यों कर पा रहा है वो इतना काम, क्योंकि बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है. क्यों एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कम्प्लीटली सेपरेटेड, इसी वजह से ज़्यादा एनर्जी है. जहाँ पर आप मिक्सिंग देखेंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि ये एनर्जी कम होती है. एंड बच्चों वो क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं. नेक्स्ट, सेक्सेस दे आर गोइंग टू बी सेपरेट एंड दे ऑल्सो शो सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म. क्या शो करते हैं वो, सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म. क्यों, क्योंकि मेल के पास क्या प्रेजेंट है, पेल्विक फिन पर क्लास्पर्स विच एक्चुअली हेल्प इन द कॉपुलेशन. फर्टिलाइजेशन बच्चों कॉन्ड्रिक्थीज में होगी इंटरनल एंड दे आर मोस्टली विविपेरस. आप सोचते हो कि फिशेस तो यार एग ले करती होंगी, सारी फिशेस नहीं करती हैं. कॉन्ड्रिक्थीज दे आर विविपेरस, दे गिव बर्थ टू यंग वन एंड द फर्टिलाइजेशन इन देम इट इज गोइंग टू बी इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्ड्रिक्थीज, डॉग फिश हो गई, स्कॉलिडॉन हो गई, प्रिस्टिस. प्रिस्टिस के पता क्या है, प्रिस्टिस के आगे ना ऐसे लंबा सा स्ट्रक्चर है लाइक दिस. And this whole structure has got teeth. बहुत ही strong teeth होते हैं जिसको आप dentalium बोलते हो. जो बच्चे जिससे वो attack करती है, तो अपने बचाव के लिए, offense and defense के लिए इसके पास ऐसे dentalium है. Sawfish. And then बच्चों Carcharodon, white shark and trigon which is stingray. याद रहेगा बच्चों, predaceous मतलब attackers, predator.
प्रेडेटर क्या होता है, जो पीछे भागता है ना, अटैक करने वाली, तो इनका नेचर क्या है, दे ऑल आर अटैकर्स, तभी इनके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आपने टॉर्पीडो में देखा इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इलेक्ट्रिक करंट से घायल कर देंगे, ट्राइगोन में देखा पॉइजन स्टिंग है, राइट? सो सेम वे जैसे आप सॉ फिश में देख रहे हो आगे डेंटेलियम है, टीथ लगे हुए हैं जो अटैक करने में इनको हेल्प करते हैं. यस बच्चे, ठीक है, चलिए. सो ये बात हो गई आपके कॉन्ड्रिक्थीस की. अगली क्लास कौन सी थी, एडवांस हो जाओ. पहले कार्टिलेजनस था एंडोस्केलेटन, अब क्या हो जाएगा, बोनी एंडोस्केलेटन, दैट इज गोइंग टू बी ऑस्टिक्थीस. ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, बोन के सेल ही होते हैं ना, है ना, कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स बोन के सेल्स. सो दिस इज दैट क्लास ऑफ पाइसेस जिसके पास apart from cartilage bones they are also going to be present. It will include both marine as well as fresh water. Pehla difference, wo sari kya thi, marine water, isme bacche fresh water bhi aa rahi hai. Their body is also streamlined. Mouth here is not ventral, their mouth is actually like this, dekh rahe ho, their mouth is like this, this is bilkul tip pe hai mouth. This mouth is called as a terminal mouth. पीछे देखो, होमोसर्कल कॉडल फिन, बराबर कॉडल फिन चल रहे हैं, वहां हेट्रो था. देन बच्चे दे हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपरकुलम. नेक्स्ट डिफरेंस, सारे डिफरेंस मैं भी आपसे पूछूंगी कि उसके पास ओपरकुलम नहीं था, इसके पास है. उसके पास प्लेकॉइड स्केल्स थे बेटा, इसके पास साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स है. उसके पास एयर ब्लैडर नहीं था, इसके पास एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये एक जगह पर स्टिल भी रह सकती है. इसको उतनी मेहनत नहीं करनी कि चलते जाना है चलते जाना है, नो, इट कैन स्टे एट वन पॉइंट विदाउट मूविंग, विदाउट स्विमिंग, बिकॉज इसके पास बायंसी रेगुलेट करने के लिए क्या प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट. बिल्कुल ठीक पूजा सावंत. सो दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड, देयर हार्ट इज ऑल्सो टू चेम्बर्ड, बट दे आर ओवीपेरस, ठीक है, बट देयर फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ठीक है. एंड जैसा कि हमने बात की कि मरीन वाटर होंगे, मरीन वाटर लाइक फ्लाइंग फिश, एक्सोसीटस. देन बच्चे इधर ध्यान दो, दिस वन, ये जो आपकी फिश है दैट इज हिप्पोकैम्पस. कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है बच्चे, हॉर्स शेप और सी में पाया जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज सी हॉर्स. अब बड़ी खास बात है बच्चों सी हॉर्स की, सी हॉर्स का जो मेल होता है ना, दैट मेल हैज गॉट ब्रूड पाउच जिसके अंदर फीमेल इज गोइंग टू ले एग्स. तो यहाँ पे जो पेरेंटल केयर है, जो बच्चे की केयर है, वो कौन दिखा रहा है, पेरेंटल केयर इज शोन बाय द मेल्स. याद रखेंगे, सी हॉर्स के अंदर द पेरेंटल केयर इज शोन बाय मेल्स. यस गाइस, बिल्कुल ठीक, क्योंकि फीमेल ने एग्स किसको दे दिए, देखो हर जगह हर एक में फीमेल थोड़ा इतना काम करेगी, तो ये तो अच्छी चीज है, यहां पर इक्वालिटी चल रही है. हियर द यंग वन इज एक्चुअली बियर्ड बाय द मेल्स, क्योंकि फीमेल विल ले एग्स इन द ब्रूड पाउच ऑफ दिस मेल, ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे. नेक्स्ट, हिप्पोकैम्पस के बाद आते बच्चे फ्रेश वाटर फिशेज लाइक लेबियो, कैटला, क्लारियास. देन बच्चे देर आर सर्टेन अदर फिशेज जो आप एक्वेरियम में देखते हो, बेटा, एंड देन यू हैव गॉट टेरो फाइलम विच इज एंजल फिश. तो ये बात हो गई आपकी ऑस्टिक्थीस की. अब क्वेश्चन पूछ लूं, ब्लैंक कर दिया मैंने, क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, उड़ता हुआ क्वेश्चन आ रहा है. सो पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ ऑस्टिक्थीस एंड कॉन्ड्रिक्थीस विच वन इज गोइंग टू हैव एयर ब्लैडर, ओ और सी में आंसर दीजिए. आउट ऑफ कॉन्ड्रिक्थीस, आउट ऑफ कॉन्ड्रिक्थीस एंड ऑस्टिक्थीस विच वन इज गोइंग टू हैव एयर ब्लैडर, फटाफट से सी और ओ में आंसर आएगा. यस बच्चों, भाई मैम की शादी नहीं हुई है, दिस इज नॉट, दिस इज होली कलर, तुम लोग समझते ही नहीं हो, है ना, तुमको लग रहा है कि मैम एक दिन में बिना छुट्टी के शादी करके आ जाएंगी, ना बच्चों, ये क्या है, होली का रंग है, यहाँ पर विशेष चल रही है, नो विशेष आर रिक्वायर्ड गाइस, जब इतनी बड़ी चीज होगी तो तुमको खबर नहीं देंगे क्या. चलिए बताइए, यस विच वन इज गोइंग टू हैव एयर ब्लैडर, कौन लिख रहा है सी, कौन वाला है, सी इज रॉन्ग आंसर, द एयर ब्लैडर इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द ऑस्टिक्थीस. इन में से ये मैं अभी फिश बना रही हूँ, आप लोग पहचानना, दिस फिश इज सी और ओ, कम ऑन गाइस टेल मी, दिस फिश इज सी और ओ, कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिक्थीस, दिस फिश इज सी और ओ,
Come on, come on. Yes. क्या बनाया मैम ने? दो चीजें ध्यान दो, माउथ पे ध्यान दो. माउथ इज एक्चुअली ऑन द लोअर साइड, दैट मीन्स वेंट्रल एंड द कॉडल फिन इज हेट्रोसर्कल. तो भाई ये क्या है? ये ओ नहीं है, ये क्या है? कॉन्ड्रिक्थीज है, सी है बेटा. यस, ये क्या है? सी है. नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज विविपेरस? इज इट कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज? हाँ जी, विविपेरस कौन है इन दोनों में से? विच वन इज विविपेरस? कम ऑन. विविपेरस और सी, दोनों ही विविपेरस है. विविपेरस कौन सी है बेटा आपकी? कॉन्ड्रिक्थीज. ऑस्टिक्थीज तो क्या है? ओविपेरस. ओ फॉर ऑस्टिक्थीज, ओ फॉर ओविपेरस. याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है? दोनों के पास देर आर गोइंग टू बी 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. दोनों के पास देर आर गोइंग टू बी 2 चेम्बर्ड हार्ट. वो दो चेम्बर्ड वाला हार्ट हमने डिस्कस भी किया था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में. दो एक्सेसरी चेम्बर्स होंगे एंड दो क्या होंगे? आपके मेन चेम्बर्स होंगे. इस तरीके का बच्चे हार्ट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट. साइनस विनोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस, देन वन एट्रियम, वन वेंट्रिकल. तो टू चेम्बर्ड हार्ट, बट इस हार्ट में सिर्फ कौन सा ब्लड फ्लो करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है. दैट इज वाई दिस हार्ट इज कॉल्ड एज वीनस हार्ट. कॉन्ड्रिक्थीज जो है बेटा वो सारी मरीन वाटर में पाई जाती है. ऑस्टिक्थीज दे आर फाउंड इन बोथ मरीन एज वेल एज फ्रेश वॉटर. ओके, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं. पाइसिस डन, पहली आपकी सुपर क्लास हो चुकी है पाइसिस. नेक्स्ट सुपर क्लास में चलते हैं. नेक्स्ट सुपर क्लास इज गोइंग टू बी टेट्रापोडा. टेट्रापोडा की अगर मैं बात बताऊं, सो इफ वी टॉक अबाउट टेट्रापोडा, टेट्रापोडा मतलब दे आर गोइंग टू हैव लिम्स, ठीक है? चार लिम्स वाले, दो फोर लिम्ब, दो हाइंड लिम्ब. उनका मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है? बट दे आर गोइंग टू हैव फोर लिम्ब्स. नाउ देयर इज सर्टेन डिविजन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म. कुछ आते हैं बच्चों एन एमनियोट की कैटेगरी में, एंड कुछ आते हैं जिनके पास एमनियोन होती है उसको हम बोलते हैं एमनियोट. ध्यान दो, एन एमनियोट दैट मीन्स देयर इज नो एमनियोन अराउंड देयर एम्ब्रियो. एमनियोन के अराउंड एक एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है जिसको आप क्या बोलते हो? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, विच इज कॉल्ड एज एमनियोन. जिनके पास वो नहीं है वो एन एमनियोट है. जिनके पास वो है वो क्या है? एमनियोट. अब जरूरत किसको है? जरूरत बच्चे एमनियोन उसके एम्ब्रियो को है जिसका एग पानी में नहीं है, जिसको खतरा है सूखने का, डेसिकेशन का खतरा है. जिसके तो एग पानी में होंगे उसको कोई खतरा नहीं है, वो तो ऑलरेडी पानी में, वो क्या सूखेगा, है ना? तो उसको एमनियोन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. बट जिस ऑर्गेनिज्म के एग्स लैंड पर हैं, है ना, लैंड पर है, जो वाटर में नहीं रह रहे हैं, दे रिक्वायर दिस एमनियोन. सो एमनियोन वाली कैटेगरी में वो आएंगे जो आपके कहीं ना कहीं लैंड पर मूव कर चुके हैं, जिनके एग्स पानी में नहीं होते हैं. एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी रेप्टाइल. अनदर एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी एप्स. अनदर एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी मैमल्स, है ना? इन सब के एग्स कहां पर हैं? लैंड पर है. सो दे रिक्वायर दिस लेयर जो डेसिकेशन को प्रिवेंट करे. और एन एमनियोट में कौन आ जाएंगे? आपके पाइसेस आ जाएंगे. और कौन आएंगे? नेक्स्ट इज गोइंग टू बी एम्फीबिया. सो ये क्वेश्चन भी बहुत बारी आता है कि एमनियोट और एन एमनियोट में कौन कौन है. एमनियोट में आपके हो जाएंगे रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमिलिया, और एन एमनियोट्स में पाइसेस एज वेल एज एम्फीबिया, ठीक है? चलिए आ जाइए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेट्रापोडा की पहली क्लास जिसका नाम है एम्फीबिया. एम्फी माने दो, बिया मतलब लाइफ, ठीक है? सो दे कैन स्पेंड देयर लाइफ ऑन लैंड एज वेल एज वाटर. अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा, एक लाइफ प्रोसेस ये कहां पर कंप्लीट करते हैं? पानी में जाकर कंप्लीट करते हैं. सो दैट मीन्स एम्फी मीन्स डुअल, बायोस मीन्स लाइफ. दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, ठीक है? मोस्ट ऑफ देम बच्चे दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्स. एक्सेप्शन इज देयर, एक एम्फीबियन ऐसा है जिसके पास लिम्स ही नहीं है. यस, देयर इज गोइंग टू बी limbless amphibian, that is called as ichthyophis. बिल्कुल स्नेक की तरह है. जैसे स्नेक नहीं होता, कोई हाथ पैर नहीं है उसके, कोई लिम्स नहीं है, सेम वे. सो इट इज इक्थियोफिस इज जस्ट लाइक दैट ऑफ स्नेक एंड दैट इज कॉल्ड एज लिम्बलेस एम्फीबियन. नाउ द बॉडी इज बेसिकली डिवाइडेड इन टू हेड एंड ट्रंक. टेल हो भी सकती है,
नहीं भी हो सकती, कुछ के पास नहीं होती. विचार ए न्यूरा, टेल इज एबसेंट, लाइक इन केस ऑफ फ्रॉग यू विल सी नो टेल, बट टेल प्रेजेंट भी हो सकती है एज यू विल सी इन केस ऑफ नेक्ट्यूरस एंड सेलामेंडर. ठीक है, एम्फीबियन स्किन इज गोइंग टू बी मॉइस्ट. भाई क्यों गीली कर रहे हो, कोई पर्पज तो होना चाहिए, क्यों गीली कर रहे हो? क्योंकि बेटा एम्फीबियन ने अपनी स्किन से ही क्या करना होता है, रेस्पिरेशन करना होता है. यार बच्चों को क्या हो गया है, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो. मैम कल शादी करके आ गई है, बिना छुट्टी के कैसे, कल तो हमने क्लास लिया ना बच्चों, एक दिन में कैसे हो जाएगी. दिस इज होली कलर. यस बच्चों, होली कलर. थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अभी कौन सा फेस्टिवल गया है. सो एम्फीबियन स्किन इज गोइंग टू बी विदाउट स्केल एंड इट इज गोइंग टू बी मॉइस्ट फॉर द रेस्पिरेशन. आईज के पास आईलेट्स होंगी एंड द ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाई टिम्पैनम ओनली. ईयर ड्रम बाहर दिखता है, कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं है इनके पास, नो एक्सटर्नल ईयर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई टिम्पैनम ओनली. तीनों की ओपनिंग एलिमेंट्री कैन ऑल, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, दे ऑल ओपन इन टू अ कॉमन एपर्चर विच इज कॉल्ड एज क्लोइका. मतलब क्लोइका में ही से ही अनडाइजेस्टेड वेस्ट निकलेगा, क्लोइका में से ही नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगा और क्लोइका में से क्या निकलेंगे, गैमेट्स निकलेंगे. यस, सो दैट बच्चों ओपनिंग इज कॉल्ड एज क्लोइका. रेस्पिरेशन बेटा गिल्स से भी हो सकती है, टैडपोल गिल्स से करता है, लंग से भी होती है जब ये लैंड पे होते हैं, प्लस बेटा इनकी बकोफेरिंजियल कैविटी से भी होती है, स्किन से भी होती है. हार्ट इज नाउ थ्री चेम्बर्ड. कौन कौन से थ्री चेम्बर्ड होंगे? देयर आर गोइंग टू बी बच्चों टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल. ये देखो इस तरीके से थ्री चेम्बर्ड हार्ट, दो एट्रिया है और एक क्या है, वेंट्रिकल. यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां से ऑक्सीजनेटेड, यहां पर क्या हुई, मिक्सिंग हुई तो एनर्जी कम तो दे आर नॉट वार्म ब्लडेड, रादर दे आर कोल्ड ब्लडेड, है ना. इसी वजह से क्या है, ये कोल्ड ब्लडेड है. तो कुछ रट्टा नहीं मारना, हम समझ के कर रहे हैं. फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू बी एक्सटर्नल एंड दे आर ओविपेरस एंड द डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी इनडायरेक्ट. आपको लार्वा पता ही है इसमें, दैट इज टैडपोल लार्वा. एग्जाम्पल बच्चे बूफो, दैट इज टोड, राना टिग्रीना, दैट इज आवर फ्रॉग, ट्री पे बच्चों रहने वाला फ्रॉग, दैट इज कॉल्ड एज हाइला. टेल वाला एम्फीबियन इज गोइंग टू बी सैलामेंडर, जो कि विवीपेरस भी होते हैं. ये क्या होते हैं बच्चों, विवीपेरस, बाकी ओविपेरस होंगे. एंड द लिम्बलेस एम्फीबियन इज गोइंग टू बी इक्थियोफिस. यस बेटा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. भाई पढ़ाई कर लो. होली का फेस्टिवल खत्म, रंग वंग अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन अब कम बैक टू द ट्रैक, रियलाइज द इंपॉर्टेंस. एक एक दिन आपका निकलता जा रहा है. नेक्स्ट क्लास बच्चे इज गोइंग टू बी रेप्टीलिया. रेप्टीलिया बच्चे उन एनिमल्स को बोला जाता है जो रेंगते हैं. रेप्टाइल वर्ड इज रिलेटेड टू क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन. कहाँ आ गए हैं, अब प्रॉपरली लैंड पर आ गए हैं. ठीक है, पहले पाइसेस पूरा पानी में थी, एम्फीबियन डुअल मोड के थे. नाउ रेप्टाइल्स दे आर एक्चुअली फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट. सबसे पहले प्रॉपरली लैंड पर कौन आया, रेप्टाइल्स आया. ठीक है, दे आर एक्चुअली टेरिस्ट्रियल एंड देयर बॉडी इज नॉट मॉइस्ट, क्योंकि इन्होंने यहां से रेस्पिरेशन नहीं करनी, ये लंग से कर लेंगे सब कुछ. ठीक है, देयर बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट. याद रखना है, यहां पर बॉडी ड्राई है, स्केली बॉडी है. और आपको मैं बताऊं, कॉकरोच की तरह ना ये रेप्टाइल्स भी, स्नेक्स की स्पेसिफिकली बात कर रही हूं, दे ऑल्सो शेड देयर स्किन. वो भी अपनी स्किन की ऊपर वाली लेयर को झाड़ते हैं, दैट इज बाय द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज मोल्टिंग. क्या बोलोगे उसको, मोल्टिंग और एक्डाइसिस. तो जब स्नेक अपनी स्किन को झाड़ता है, जब उतरती है उसकी स्किन, तो क्या उतर रहा है, इट इज दिस कॉर्निफाइड स्किन ओनली, नॉट द एपिडर्मिस. कॉर्निफाइड स्किन क्या होती है, कॉर्निफाइड सेल्स दे आर एक्चुअली रिमूव्ड. सो दे डोंट हैव एनी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग जस्ट लाइक दैट ऑफ एम्फीबियन. यहां पर भी बच्चों बाहर आपको कान के क्या दिखेगा, टिम्पैनम. लिम्स अगर प्रेजेंट हुए, स्नेक्स में तो कोई लिम्स नहीं होते, बट आपकी छिपकली में होते हैं लिम्स. वेन प्रेजेंट दे आर टू पेयर्स. छिपकलियां याद कर लो, बहुत ही डरावनी होती है, राइट. योर हेमिडेक्टाइलस, दैट इज हाउस लिजर्ड, है ना, वॉल लिजर्ड. हार्ट इज यूजली थ्री चेम्बर्ड, बट एक्सेप्शन इज देयर फोर चेम्बर्ड इन केस ऑफ क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, इनमें क्या है, फोर चेम्बर्ड. दे आर ऑल्सो पर्किलोथर्मल, क्योंकि बच्चों मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, तो एनर्जी कम जनरेट होगी. एग्जाम्पल स्नेक्स एंड लिजर्ड, दे शेड देयर स्केल्स.
as their skin caste, which is called as molting or ecdysis. Sexes, they are going to be separate, male or female alag honge, female ki body ke andar fertilization hogi and they are egg laying, development is without any larva. और ये किस कैटेगरी में आएंगे? एमनियोट्स, क्योंकि बच्चों ये प्रॉपरली लैंड पर आ चुके हैं, इनके एम्ब्रियो को सूखने का डर है, डेसिकेशन का डर है. एग्जाम्पल टर्टल्स दैट इज किलोन, टोटॉइस दैट इज टेस्ट्यूडो. जितने एग्जाम्पल एनसीईआरटी दे रही है वो तो करने ही करने हैं और इसने काफी दे दिए, इससे ज्यादा नहीं करने हैं. कैमिलियन बच्चों, ट्री लिजर्ड, कैमिलियन की क्या खास बात है भाई? कैमिलियन शो करती है केमोफ्लाज. बच्चों गिरगिट है, गिरगिट वो बोलते हैं ना कि तूने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिए, पहले तो ये कह रहा था आज तो ये कह रहा है. तो ये जो गिरगिट वाली क्वालिटी है वो क्या है? टू चेंज कलर्स, जस्ट टू मैच द कलर ऑफ द बैकग्राउंड. अपने आप को बचाने के लिए ये कैमिलियन क्या करती है? अपना रंग चेंज करती है. अगर बैकग्राउंड ग्रीन है तो ग्रीन हो जाएगी, बैकग्राउंड ब्राउन है तो ब्राउन कलर का हो जाएगी, ताकि शिकारी इसको फिगर आउट ना कर पाए, कंट्रास्टिंग कलर्स ना बने. ठीक है, सो कैमिलियन दैट इज ट्री लिजर्ड दैट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ केमोफ्लाजिंग. देन बच्चे गार्डन लिजर्ड दैट इज केलोट्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस जो आपकी वॉल लिजर्ड है, घर में जो छिपकली मिलती है दैट इज हेमीडेक्टाइलस. एंड देन देर आर स्नेक्स, देर आर पॉइजनस स्नेक्स, ठीक है, जिनके पैरोटिड ग्लैंड्स में से क्या निकलता है? पॉइजन. एग्जाम्पल नाजा, बंगारो, स्क्रेट एंड वाइपर, नॉन पॉइजनस स्नेक्स लाइक पाइथन. मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बच्चे हम स्टार्ट करेंगे प्लस पे. अब जो आपका प्लस पे कोर्स आने वाला है वो आएगा आपका प्रैक्टिस कोर्स, जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अलोंग विद द क्रैश कोर्स. सो दैट इज गोइंग टू बी अ कंबाइंड पैकेज फॉर यू. मैं नेक्स्ट वीक से अपना प्लस कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ फिर से. हमने 11th कर ली थी मार्च में, अब हम करने वाले हैं क्लास 12th. और प्लस वाले बच्चों के लिए बता दूं, आज लास्ट दिन है, बिल्कुल 31st ऑफ मार्च इज योर लास्ट डे, जब आप 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन में 4 मंथ्स का बेनिफिट ले सकते हो. आज रात को 12 बजे के बाद सोचोगे कुछ नहीं हो सकता, फिर 6 महीने का लेना पड़ेगा. यस, हैव अ लुक गाइस. कोई भी डायग्राम एनिमल किंगडम का आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाएंगे. फर्स्ट वन इज योर गिरगिट दैट इज कैमिलियन विच शोज केमोफ्लाजिंग. देन बचे आपका क्रोकोडाइल, बहुत खतरनाक है ना, मगरमच्छ के आंसुओं की तरह. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी किलोन एंड नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी योर स्नेक विच इज नाजा. चलिए आगे आ जाइए, एप्स. Next class is going to be apes. The characteristic feature of apes are the presence of feathers. Hai na? 4 limbs they are modified to form feathers. And most of them can fly except flightless birds, that is penguin and the ostrich. Do fly nahi kar sakte, hai na? Flightless bird aapko kaun kaun se yaad rakhne hai? Ek to ostrich, that is truthio, and then aptenodites, that is penguin. So they possess a beak. Inke paas kya present hai mouth mein? Beak present hai without any teeth. फोर लिम्स बच्चे मॉडिफाइड इनटू विंग्स, विंग्स आर एक्चुअली कवर्ड बाय दीज फेदर्स. हाइंड लिम्स के पास क्या होंगे? स्केल्स. तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्केल्स किस किस में प्रेजेंट है, एम्फिबियन, रेप्टाइल और बर्ड्स, आप क्या टिक करके आओगे बताइए? स्केल्स आर प्रेजेंट इन एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स. यस यस, कम ऑन. यस बच्चों बताओ, टाइपिंग अपनी स्पीड दिखा दो मैम को. हाँ ठीक है ठीक है, मार देना बेटा जॉबी. यस yes, मैंने 3 ऑप्शंस दिए बेटा, एम्फीबियंस के पास स्केल्स हैं, रेप्टाइल्स के पास हैं या बर्ड्स के पास हैं. एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं. ठीक है, एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं. यस, सो स्नेक्स, हाँ जी, स्केल्स किस किस के पास है? एम्फीबियन के पास तो नहीं है, रेप्टाइल के पास तो है, उनकी ड्राई स्केली स्किन है. क्या बर्ड्स के पास स्केल है? बिल्कुल है. कहाँ पर है? दे हैव स्केल्स बच्चों, जनरली दे हैव स्केल्स. कहाँ पर? हाइंड लिम्स के पास. तो आंसर आना था रेप्टाइल प्लस बच्चों एप्स. एंड द हाइंड लिम्स दे आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस. आप देखते हो पेड़ों को कैसे पकड़ के बैठे हैं. स्किन इज गोइंग टू बी ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, अगेन एक्सेप्शन. इनकी बॉडी में कोई ग्लैंड्स नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो रेस्पिरेशन कहाँ से करनी है? लंग से रेस्पायर करना है ना. लेकिन बच्चों एक ग्लैंड प्रेजेंट है बिल्कुल अंत में, जहां पर इनके फेदर्स पीछे आकर जुड़ते हैं ना, दैट मींस एट द टेल पोजीशन, वहां पर एक ग्लैंड है विच इज कॉल्ड एज यूरोपाइजियल ग्लैंड.
ठीक है, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल. मैं यहां पर नाम लिख रही हूं इस ऑयल ग्लैंड का, विच इज कॉल्ड एज यूरो पाइजियल ग्लैंड, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीन ग्लैंड. ठीक है, तो बर्ड्स के पास सिर्फ यही ग्लैंड प्रेजेंट है. एंडोस्केलेटन इज फुली बोनी, बट इनकी लंबी लंबी बोन्स के पास दे आर गोइंग टू बी हॉलो बोन्स. क्यों? ताकि इनका वेट कम हो जाए और उड़ने में आसानी हो जाए. हमारी तो बोन्स क्या है, सॉलिड है भाई, हॉलो नहीं है. ठीक है, सो देयर लॉन्ग बोन्स दे आर हॉलो विद द एयर कैविटीज. दोज हॉलो बोन्स आर कॉल्ड एज न्यूमेटिक बोन्स. यस बच्चों, न्यूमेटिक बोन्स. इनके पास बेटा बोन मैरो नहीं, क्या होता है इसकी जगह, बर्स ऑफ फैब्रिशियस होता है. क्या होता है? बर्स ऑफ फैब्रिशियस, जहां पर इनके बी सेल्स और टी सेल्स बनते हैं. हमारे बी सेल्स और टी सेल्स कहां पर बनते हैं? बोन मैरो में. इनके कहां बनेंगे? बर्सा ऑफ फैब्रिशियस. नाउ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज गॉट एडिशनल चेंबर्स अपार्ट फ्रॉम योर इसोफेगस, फेरिंग्स. इन सब के अलावा दो चेंबर्स हैं जो आपने कॉकरोच में भी देखे थे. दे आर गोइंग टू बी क्रॉप एंड गिजर्ड एंड हार्ट इज कंप्लीटली फोर चेंबर्ड. अब बच्चों कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं है तो एनर्जी खूब जनरेट हो रही है, तो भाई ये टेम्परेचर रेगुलेट कर लेंगे ना. सो दे आर एक्चुअली वार्म ब्लडेड, दैट इज होमियोथर्मल, राइट, बिकॉज दे आर एबल टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर. रेस्पिरेशन किससे करेंगे भाई? लंग्स से करेंगे, लेकिन लंग्स के साथ एक एडिशनल चेंबर अटैच्ड है विच इज एयर सैक. याद रखने वाली बात यह है कि जो एयर सैक है जो लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, इट डज नॉट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यहां से कोई एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ एक्स्ट्रा हवा भर के रखने के लिए क्या है इनके पास, एयर सैक्स. इट विल नॉट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट विल ओनली सप्लीमेंट देयर रेस्पिरेशन. सेक्सेस दे आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन बेटा इंटरनल होगी. दे आर एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, राइट, दे आर ओविपेरस और इनके एग्स विदाउट एनी एक्सेप्शन दे वुड बी कवर्ड बाई कैलकेरियस शेल. सो दे हैव गॉट क्लेडोइक एग्स. कैसे एग्स हैं? क्लेडोइक एग्स हैं, राइट, एंड डेवलपमेंट इज विदाउट एनी लार्वा. ओके बच्चों, एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी कॉर्वस विच इज क्रो, है ना, देन पिजन, कोलंबा, पैरट, बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड दैट इज सिटैक्युला, स्ट्रूथियो विच इज फ्लाइटलेस दैट इज ऑस्ट्रिच, आपका नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड बच्चों दैट इज पावो, राइट, एंड अगेन वन फ्लाइटलेस बर्ड विच इज एप्टेनोडाइट्स, पेंगुइन एंड नियोफ्रॉन विच इज वल्चर. तो आपको पहचानने आने चाहिए कि यार ये क्या है, वल्चर है, ये क्या है ऑस्ट्रिच, ये है आपका पैरट और वो क्या है पीकॉक, राइट. सो ये बात हो गई एप्स की. एप्स में आपने देखा कि कुछ की तो आवाज़ भी बहुत अच्छी होती है, राइट, कोयल की आवाज़ बहुत अच्छी है. तो इनका जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, जैसे हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इज लेरिंग्स, देयर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इज नॉट लेरिंग्स, इट इज एक्चुअली सीरिंग्स. क्या है इनके साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन का नाम? दैट इज सीरिंग्स, याद रखेंगे. लास्ट क्लास मोस्ट एडवांस्ड इज द वन जिसके पास क्या प्रेजेंट है, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, दैट क्लास इज कॉल्ड एज मैमिलिया. सो मैमिलिया आपको हर जगह मिल जाएंगे, डेजर्ट में, पोलर आइस कैप्स में, पानी के अंदर, लैंड पर, एवरीवेयर. सो पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, ग्रास लैंड, डार्क केव्स, एवरीवेयर. नाउ दे आर अडेप्टेड टू फ्लाई एज वेल, फ्लाइंग मैमल्स भी हैं. दे आर अडेप्टेड टू लिव इन वॉटर एज वेल, अक्वाटिक मैमल्स भी प्रेजेंट हैं. यस, चलिए सबसे यूनिक फीचर बता दो बच्चों, सबसे यूनिक फीचर मैमल्स का कौन सा है? दैट इज मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है, बाय विच दे आर गोइंग टू नर्स देयर यंग वन, राइट, दे परफॉर्म ब्रेस्ट फीडिंग एंड दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्स. ये सब जानते हैं, चलने के लिए, उड़ने के लिए, दौड़ने के लिए, स्विमिंग के लिए दो पेयर ऑफ लिम्स है क्योंकि ये टेट्रापोड है. लेकिन बच्चों एक फीचर ऐसा है, एक फीचर ऐसा है जो सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट है, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ना रेप्टाइल में मिलेगा, ना बच्चों किसी और कॉर्डेट में मिलेगा, दैट इज प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो इन केस ऑफ मैमल्स द थोरैसिक एंड द एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ द बॉडी दे आर सेपरेटेड बाय डायफ्राम. और बच्चों हमारी बॉडी किससे ढकी हुई है? बालों से, हेयर से, एंड यस वी डू हैव एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ने. एक बात आपसे, यस, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा, अच्छा बता दो, नेम दैट ईयर ऑसिकल विच इज हैविंग शेप ऑफ हैमर. कम ऑन गाइस, यस यस यस, ईयर ऑसिकल हैविंग शेप ऑफ हैमर.
बिल्कुल प्रीति गौतम, पढ़नी आनी चाहिए, सफिशिएंट है। हैमर शेप ईयर ऑसिकल, आपकी नॉलेज चेक की जाए। यस यस, अभी अर्नव करेंगे, ग्लैंड्स करेंगे। यस, हैमर शेप इज मैलियस, बिल्कुल द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी मैलियस विच इज हैमर शेप। मैलियस इंकस विच इज एनविल एंड स्टेप्स विच इज स्टिरप, वेरी नाइस। तो इनके पास बच्चों सिर्फ टिम्पैनम नहीं है, एक्सटर्नल ईयर भी है, देख ही रहे हो, पिन्ना आर देयर, अलग अलग तरीके के दांत भी हैं, दैट मीन्स दे आर हेटरोडोन, दे हैव हेटरोडोन टाइप ऑफ डेंटेशन। हार्ट इज एक्चुअली फोर चेम्बर्ड, कंप्लीट सेपरेशन है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की, इसीलिए हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड है। रेस्पिरेशन कैसे होगी, लंग्स, एक्सक्रीशन कैसे होगी, बाय मेटानेफ्रिक किडनी। देखो याद रखो, जो एन एमनियोट्स थे ना, उनकी एक्सक्रीशन होती है किडनी से, लेकिन मीजोनेफ्रिक, हमारी जो किडनी है एमनियोट्स की, उनकी होती है बाय मेटानेफ्रिक किडनी। सेक्सेस बच्चे सेपरेट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू बी इंटरनल, दे आर ऑल विविपेरस विद फ्यू एक्सेप्शंस, दैट इज ऑर्निथोरिंकस एंड प्लैटिपस। आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि आर मैमल्स, दे आर डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज। हाँ जी, यस, फर्स्ट कैटेगरी इज दैट विच इज द मोस्ट प्रिमिटिव मैमल, दैट इज मोनोट्रिमेटा, विच इज having egg-laying mammals. Egg-laying मतलब oviparous mammals. Example दो याद रखेंगे, Ornithorhynchus, question आएगा, Ornithorhynchus and Echidna. Ornithorhynchus का common name क्या है, Duckbill platypus, Echidna क्या है, Spiny anteater. So they both are egg-laying, they are oviparous mammals. Since ये oviparous है, जो की प्रॉपर्टी किसकी है, रेप्टाइल की है, राइट, दैट इज वाई बच्चो, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एज वेल एज मैमल्स। नेक्स्ट आते हैं बच्चों मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स जिनकी बॉडी में क्या होता है, मार्सुपियल पाउच, जहां पर ग्रोथ होती है, यंग वन की नरिशमेंट मिलती है, दैट यू सी इन केस ऑफ कैंगरूज, है ना, एंड कैंगरूज दे आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन रीजन, है ना, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, राइट बच्चे। नेक्स्ट आपको मिल जाएंगे प्लेसेंटेलिया, प्लेसेंटेलिया मतलब जिनके पास मार्सुपियल पाउच नहीं, डेवलपमेंट कहां पर होगी, प्लेसेंटा की हेल्प से होगी, इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर, दैट इज प्लेसेंटेलिया। अब इसमें आपके बाकी सारे मैमल्स आ जाएंगे जितने भी आप जानते हैं, एलिफेंट, कैट, डॉग, टाइगर, लायन, ह्यूमन, एवरी वन इज गोइंग टू कम अंडर दिस कैटेगरी, बिल्कुल यूथीरियंस, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, तो जो एग्जाम्पल दी है ना वो इसी ऑर्डर में दी हुई है, ये देखिए ऑर्निथोरिंकस एगलिंग विच इज प्लैटिपस, एक और मैंने यहां पर ऐड किया है दैट इज एकिडना विच इज स्पाइनी एंटीटर। नेक्स्ट आते हैं बच्चे विविपेरस में, विविपेरस में पहले आ जाएंगे मैक्रोपस, मार्सुपियल पाउच होता है जिनके पास, दैट इज कैंगरू। देन आ जाएंगे बच्चों प्लेसेंटा वाले, दैट इज टेरोपस विच इज फ्लाइंग फॉक्स, कैमल कैमेलस, मंकी मकाका, रैटस रैट, डॉग कैनिस फेलिस कैट। एक बच्चा था मेरी क्लास में जिसने डॉग का साइंटिफिक नेम लर्न करने के लिए पता क्या किया, उसने अपने पेट डॉग का नाम की रख लिया कैनिस, क्योंकि कैनिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग। तो वो अब बच्चा कभी डॉग का साइंटिफिक नेम नहीं भूलेगा, चाहे वो डॉक्टर बने ना बने, लेकिन उसे डॉग का साइंटिफिक नेम हमेशा याद रहेगा, दैट इज कैनिस, राइट। फेलिस कैट, एलिफस, एलिफेंट, हॉर्स, इक्वस। देन बच्चो एक्वाटिक मैमल्स, डॉल्फिन, वेल, सील, ये सब क्या है, एक्वाटिक मैमल्स। और एक्वाटिक मैमल्स के पास भी रेस्पिरेशन के लिए क्या है, लंग्स प्रेजेंट है। सो डेल्फिनस, दैट इज डॉल्फिन, बलेनोप्टेरा विच इज द लार्जेस्ट लिविंग मैमल, ब्लू वेल, टाइगर, पेंथेरा टाइगर, टाइग्रेस एंड लायन, पेंथेरा लियो। ओके बच्चों, सो विद दिस वी आर डन विद मैमल्स। ये देख लो बच्चों कौन से मैमल्स दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है एगलिंग विच इज ऑर्निथोरिंकस, दूसरा दिया हुआ बच्चे जिसके पास मार्सुपियल पाउच प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा नहीं, मार्सुपियल पाउच, कैंगरूज जो कि ऑस्ट्रेलियन लैंड में मिलते हैं, देन बच्चे फ्लाइंग वाला टेरोपस, एंड देन एक्वाटिक विच इज बलेनोप्टेरिया, राइट। सो विद दिस वी आर डन विद क्लास 11th। कैसा लग रहा है बच्चों क्लास 11th खत्म करके, हाउ आर यू फीलिंग? तो अब जितने भी आपके डाउट्स हैं आप मुझसे स्पेशल क्लास में पूछ सकते हो, स्पेशल क्लास होगी आज ही 6:15। अभी के लिए फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय
birds and mammals, which is not shared by birds and mammals, जो दोनों में नहीं है. Vivipary, warm blooded nature, ossified endoskeleton or breathing by lungs. Come on. Yes. Amazing. बहुत अच्छा लग रहा है. Okay, which is not shared by birds and mammals. देखो Vivipary तो किसका फीचर है? Mammals का. Birds तो क्या होते हैं? Eggling होते हैं ना birds. Birds are not viviparous. Warm blooded दोनों है क्योंकि four chambered heart है. बोन्स भी दोनों के पास है. ब्रीदिंग भी कैसे होती है? लंग से. ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. नेक्स्ट वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच विद इट्स कैरेक्टर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन. ध्यान देना, इसमें से कौन सा है जिसमें विदाउट एनी एक्सेप्शन सही है? यस, विच इज ट्रू विदाउट एनी एक्सेप्शंस. कम ऑन गाइस. सेकेंड का टू लिख के बताओ. टू डॉट ए बी सी डी. पहला दिया हुआ रेप्टाइल्स पोजेस थ्री चेम्बर्ड हार्ट विद एन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल. कॉर्डेटा पोजेस अ माउथ विद अपर एंड लोअर जॉ. कॉन्ड्रिक्थीज पोजेस कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन. मेमेलिया गिव बर्थ टू यंग वंस. विच इज ट्रू विदाउट एनी एक्सेप्शन. किसमें एक्सेप्शन नहीं है? हाँ जी, एक ही ट्रू है. बिल्कुल ठीक अनन्या, अश्विनी, विकास, मिस्टर स्टूडेंट. सी इज ट्रू विदाउट एनी एक्सेप्शन. देखो इसमें भी एक्सेप्शन है. थ्री चेम्बर्ड हार्ट रेप्टाइल में होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, है ना, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल. तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई. कॉर्डेटा पोजेस अ माउथ विद अपर एंड लोअर जॉज. लेकिन कॉर्डेटा में जॉलेस भी तो आते हैं, ए गनेथा भी तो आते हैं, विच इज एन एक्सेप्शन. मेमिलिया गिव बर्थ टू यंग वंस, ट्रू, बट देयर आर एक्सेप्शंस लाइक ऑर्निथोरिंकस, है ना, एकिडना, ये सब क्या है? ये तो एगलिंग है. दे आर नॉट विवीपेरस, दे डोंट गिव बर्थ टू यंग वन. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच? यस बच्चों बताइए, मिसमैच बताइए. कम ऑन. मिसमैच स्केल्स रेप्टाइल कूम प्लेट मोलस्का क्वानोसाइट पॉरीफेरा पैरापोडिया एनालिडा. थर्ड का. यस यस यस. चलिए बेटा, पूछा गया था कि किसमें एक्सेप्शन नहीं है, तो एक ही था जिसमें एक्सेप्शन नहीं थी, बाकी सब में कोई ना कोई एक्सेप्शन है. लाइन ठीक थी बट देर आर एक्सेप्शंस. ठीक है, मिसमैच. रेप्टाइल्स में स्केल होते हैं, ट्रू. कूम प्लेट्स कहाँ मिलती है? मोलस्का में बोल रहे हैं. कूम प्लेट्स कहाँ मिलती है? टीनोफोरा में मिलती है. दिस इज मिसमैच. क्वानोसाइट पॉरीफेरा ट्रू. एनेलिडा में पैरापोडिया होते हैं. लोकोमोशन ट्रू. तो ये जितने भी डीपीपी है बेटा, ये आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर. देख रहे हो, मैम आपके साथ एवरी डे डीपीपी शेयर करती है, एवरी डे ऑन टेलीग्राम. सो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फटाफट से जाकर ये अमेजिंग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. टेलीग्राम पर आपको साथ में यहाँ पर सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं. स्पेशल क्लास आज की होने वाली है 6:15 पर. ठीक है, 6:15 PM पर, विच इज अ डाउट क्लियरिंग, फ्री डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क मी एनीथिंग सेशन. आप आ सकते हैं, लिंक मैंने पिन कर दिया है आपके चैट बॉक्स में. देन बच्चों अनअकैडमी पर जहाँ पर हमारी स्पेशल क्लास होती है, वहाँ पर मैम की प्रोफाइल है. प्रोफाइल को क्या करो, फॉलो कर लो. फॉलो कर लोगे देन बच्चे सीप लाइफ कोड यूज करके आप मेरी सारी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो. दीज ऑल आर माई फ्री क्लासेस विच आर प्रेजेंट ऑन दैट प्लेटफॉर्म. जैसे यूट्यूब फ्री है ना, वैसे स्पेशल भी फ्री है. लेकिन स्पेशल पे एक बार आप आके देखोगे तो आपको एक प्रॉपर इंटरेक्शन दिखेगी. टीचर से आप आराम से डाउट पूछ सकते हो. बहुत अच्छा इंटरफेस है जिसमें आप यू नो यू विल फील लाइक कि जैसे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं. इनफैक्ट बेटर देन ऑफलाइन आपको लगेगा स्पेशल में आने के बाद. दिस इज अ टेलीग्राम चैनल जहां पर डीपीपी मिलती है. t.me/unacademy_official. मंथन आपका वो सीरीज है जिसमें चारों टीचर्स लगे हुए हैं आपको ऑल इंडिया रैंक 1-2000 के अंदर लाने के लिए. हर वीक आपका टेस्ट होता है. इस बार भी बेटा सैटरडे को टेस्ट होने वाला है 3 बजे. एनरोल कर लेना, कोड पूछेगा, कोड डाल देना सीप लाइव. बच्चों टूडे इज द लास्ट डे, याद रखो, टुडे इज द लास्ट डे फॉर दिस बम्पर ऑफर जिसमें 3 मंथ में आपको बेनिफिट मिलेगा 4 मंथ्स का. तो आज अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे, योर सब्सक्रिप्शन विल बी वैलिड टिल 31st of July. दैट मीन्स 1 डे बिफोर योर एग्जाम, सिर्फ आज रात तक के लिए. तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो बच्चे जल्दी कीजिए. अदरवाइज जो 11th और 12th है, दे शुड गो फॉर 1 or 2 ईयर कोर्स.
कोड जरूर लगा देना मैम का सीप्लाई विच इज गोइंग टू गिव यू मैक्सिमम डिस्काउंट दैट इज 10% ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट. यस बच्चों चलिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बेटा आपको मिलता है एक पर्सनलाइज कोच जो आपके लिए प्लानर बनाएगा, स्टडी आपके ओएमआर शीट की एनालिसिस करेगा, आपके छोटे छोटे डाउट्स हैंडल करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको नीट की जर्नी में पूरा साथ देगा. सो वो अगर कोच आप चाहते हैं कि आपको मिले विच इज वेरी नाइस थिंग तो आप ले सकते हैं आइकॉनिक. आई एम ऑल्सो वन ऑफ द पैनलिस्ट ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आप ये कोड लगाएंगे आपको मिल जाएगा 10% ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट. क्लास 11th और 12th जिन्होंने अगले साल नीट देना है या फिर उससे अगले साल उनके लिए बेस्ट टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आज का सेशन अच्छा लगा तो बच्चे डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब चलते रहना चाहिए. सोशल मीडिया पे फैला दो बच्चों इस मंथन की पावर को क्योंकि कल हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th. 11th पूरी हो चुकी है हमारी एज प्रोमिस्ड. सो हैशटैग नीट मंथन यूज करके, हैशटैग क्रैक नीट विद सीप मैम यूज करके यू कैन स्प्रेड अ वर्ड अबाउट दिस series to all your friends and your dear ones. I will see you now tomorrow. No, I will see you in the evening. Ek bari fir milenge apni special class mein 6 baje and then bacho kal milte hain apne 3:30 par with a new series, with a new class, with a new chapter. Tab tak ke liye everyone take care. Bye bye.